नमस्कार दोस्तों, आज कुछ अलग सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैं लैपटॉप देखती हूँ और उसमें खबरें मैं उसी पे देखती हूँ, क्योंकि टीवी देखने का मुझे समय ज़रा कम मिलता है। और मैं बहुत दिनों से ये वॉच कर रही थी कि जो इसका लाइव चैट चलता है उस पे लोगों को खबर से, चैनल से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल अपनी बात करते हैं और आप ये देखिए क्या बात चल रही है उनकी। देखिए, ओ माय गॉड, पाकिस्तान जिंदाबाद, दिस इज वेरी बैड। कितना मिसयूज हो रहा है सोशल साइट का। ये नूरे हूर हैं कोई, जरूर से इन्होंने अपना कुछ फर्जी नाम बनाया हुआ है, नूरे हूर। अब ये देखिए, अभिषेक तन्वर कह रहे हैं कि सेक्सी पूनम बॉय है। क्या ऊट पठांग चीजें चल रही हैं इस पे। अमिता बिहार कह रही है कि मुझसे बात करनी हो तो टच करो। और रिया सिंह पूछ रहे हैं कि कहां। देखिए देखिए कितना मिसयूज हो रहा है, कितना मिसयूज हो रहा है। कनिका सिंह आ गई है, मुझसे दोस्ती करोगे। इतनी गाली गलौज भी चल रही है, गाली गलौज प्लस मुझसे दोस्ती करोगे प्लस सेक्सी वीडियो देखिए मुझे टच करके प्लस पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सब चलता है इसके ऊपर। देखिए, एक भी चैट में खबर के बारे में बात नहीं हो रही है, जबकि खबर के बारे में बता रहे हैं कि यूपी में हिंसा हो रही है, उपद्रव के पीछे कुछ चेहरे हैं उन पे बात हो रही है, लेकिन यहाँ चैट बॉक्स में कुछ और ही चल रहा है। देखिए, अब इनके लिए ना कोई कानून है, ना कोई एडवाइजरी है, और ये जो लाइव चैट होती है ये नॉर्मली चैनल इसलिए करते हैं कि उनकी खबरों के बारे में, उनके चैनल के बारे में उनके सुझाव आए, उन पर कोई बात हो। या एक ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देखने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन देखिए अजीब बात है, लोग यहाँ पे क्या क्या बातें कर रहे हैं चैट बॉक्स में। लीजिए, यहाँ पे एक दूसरे को गाली गलौज शुरू हो गई है। कभी दोस्ती होती है तो कभी गाली गलौज होती है। नूर तो पगली है, कनिका सिंह और अमिता बिहार फिर से शुरू हो गए हैं, मुझसे दोस्ती करोगे। नूर को किसी ने बेवकूफ बता दिया है। कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है तो कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, और वहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आके में इसमें जोश आता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
देखिए ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ पहुंचिए, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। फिर से शुरू हो गया है, मुझसे बात करनी हो तो टच करो, मतलब इनके दिल को छुओ, क्योंकि ये इमोजी दिल के आ रहे हैं। बट एक बात तो पक्की है कि इसमें जो ये अकाउंट बने हुए हैं ये सब फर्जी होंगे। देखिए जो खबर पढ़े जा रहे हैं इनकी खबर पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है इस चैट बॉक्स में। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसमें डिस्कशन में लाया जा रहा है। खत्म नहीं होती, आप देखिए बातचीत चैट का लेवल क्या है। देखिए नूरे हूर जो है वो कभी कहती हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और कभी कहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जिंदाबाद। अगेन रोशनी सिंह राजपूत कह रही हैं कि मुझसे बात करनी है तो टच करें। बहुत सारे रोशनी सिंह राजपूत यहाँ हैं जो अलग अलग नामों से हैं। ये बीच में एक आए हैं रॉयल किंग दिल्ली पुलिस। मतलब इन बातचीत का कोई अर्थ ही नहीं है। इस चैट बॉक्स को केवल और केवल जो है बेवकूफी भरी मैं कहूंगी बातचीत करने के लिए यूज किया जा रहा है। ये समय आज तक पे कुछ टीवी सीरियल के बारे में कोई खबर चल रही है, लेकिन आप चैट बॉक्स पे देखिए किस तरीके की बातचीत हो रही है। मैं बार बार इस चीज पे आपको ध्यान देने के लिए कह रही हूं कि बातचीत का लेवल देखिए, और फिर इतना सम्मानित नेशनल चैनल है जिसके ये ओपन लाइव चैट चल रही है, मूवीज और ध्यान जरूर देते होंगे। पर ऐसा नहीं है कि इनके नाम से इनके चैनल पे पहुंचा नहीं जा सकता या इनको कार्रवाई के घेरे में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल लिया जा सकता है। दो चीजें इस पे बहुत चल रही हैं, एक तो मुझसे बातचीत करने के लिए टच करें, कई सारे अकाउंट से एक ही बात हो रही है। और ये जरूर से कुछ खाली बैठे हुए लोग हैं जो इस चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई
कोई एक भी बात ढंग की हो, कुछ अच्छी चर्चा हो, तो कुछ समझ में भी आता है कि इस चैट बॉक्स का कोई यूज हो रहा है। देखिए एक ही बात चल रही है, एक और लड़की आई है, गर्ल डांस 888, मेरा डांस वीडियो देखिए। आप खुद ही डिसाइड करिए कि इस चैट बॉक्स के जो ये देखिए अश्लीलता की हद है, देखिए कोई मौसम की बात कर रहा है। अब निशा यादव कह रही कि मेरे पति विदेश में है, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। ऑफ अलग अलग तरीकों से इसमें दोस्ती के लिए इनवाइट करने की ही बात समझ में आ रही है। कोई ये भी पूछ रहा है कि आप कहां से हैं, मेरी दोस्त के लिए लड़का चाहिए, वो सब बात भी यही डिस्कस होनी है। चलिए दोस्तों, ये मेरा मकसद आपको ये दिखाने का इस यही था कि हम किस तरीके से जो हमको एक सुविधा दी जाती है, कितना किस तरीके से उसको, किस लेवल तक उसको मिसयूज करते हैं। ये सास बहु और बेटिया कार्यक्रम चल रहा था जिस दौरान ये चैट हो रही है, और इससे पहले भी काफी महत्वपूर्ण खबरें चल रही थी, उस दौरान भी किसी ने खबर या टीवी पे इसका आज तक का जो ये लाइव दे रहे हैं यूट्यूब पे, उस पे क्या खबर चल रही है, किसी का कोई ध्यान नहीं है, खबर से किसी कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सच में कोई लड़की है क्या? देखिए जो लोग यहाँ है उनको भी डाउट है, उनको भी ये पता है कि ये जो दुनिया है बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है। सोशल साइट पे जो दुनिया है सभी को पता है। यहाँ सच में कोई लड़की है क्या तो बताओ, अभी मुझे जरूरत है। ये हरि ओम जी कह रहे हैं, नाम देखिए कितना अच्छा है और बात देखिए कैसी कर रहे हैं। खैर मुझे लगता है कि इस तरीके के जो चैट बॉक्स हैं उनको इसी तरीके के वार्तालाप के लिए, चैट के लिए यूज किया जाता है शायद से। लेकिन फिर भी अब मेरे साथ साथ आप भी ये चाहेंगे कि इस तरीके की चीजें सोशल साइट पे ना हो तो ज्यादा अच्छा है ना। चलिए धन्यवाद।